तो चलिए भाई करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भाई? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। समय का होता है सेकंड। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड या क्या होता है भाई? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और वाट बराबर क्या होता है? तो 10 की पावर 7 अर्ग प्रति सेकंड। अर्ग प्रति सेकंड। 1 किलोवाट में, क्वेश्चन पूछिए, 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं भाई? 1000 वाट होते हैं। फिर पूछिए कि 1 मेगावाट में वाट कितने होते हैं? तो 10 की पावर 6 वाट होते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट में वाट पूछे तो 1000 वाट, और 1 मेगावाट में अगर वाट पूछे तो 10 की पावर 6 वाट होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा सही आंसर होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन और पूछे कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का जो मात्रक होता है, एक तो हमें पता चला कि जूल प्रति सेकंड होता है या फिर वाट होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन और पूछे कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक अभी हमने देखा कि एक तो होता है वाट, ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड। अगर एक और पूछे तो फिर आपको बताना है एचपी। एचपी यानी अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। अश्व शक्ति। ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट है इनसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। ठीक है, अगर पूछे एक एचपी में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि 1000 वाट होते हैं। एक एचपी में 746 वाट होते हैं। ठीक है, तो 746 इनटू, अगर 10 की पावर 7 अर्ग प्रति सेकंड, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 किलो वाट बराबर 1000 बटा कितने लिखेंगे? 746। कितना? 746। तो बराबर में यहां पे 1.34 एचपी। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं? तो 1.34 एचपी होते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछे 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है या फिर कितने जूल होते हैं?
3600 कितना होता है भाई, 3600। अगर पूछे एक किलो वाट घंटा, एक किलो वाट घंटा यानी हवा बराबर कितना होगा, तो एक किलो वाट में वाट कितने होते हैं, तो 1000, ठीक है, 1000 वाट घंटा, ठीक है। बराबर में जूल के लिए पूछा जाए तो 3.6 इंटू 10 की पावर कितना लिखूंगा भाई, 6 जूल होते हैं, ठीक है। अब ये जितने सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पहले पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। ए ऑप्शन है ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, उसके बाद में है भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, उसके बाद में है कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण करने की दर, और डी है एक मिनट में किया गया कार्य। तो अभी हमने देखा कि शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा क्या होता है भाई, समय होता है, क्या होता है, समय होता है। तो कार्य करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है भाई, शक्ति कहलाती है। तो यहां से शक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति का मतलब होता है पी, ठीक है। कार्य तो कार्य का होता है डब्लू, और समय का क्या होता है भाई, समय का होता है पी होता है। तो कार्य करने की दर, ठीक है, यहां पे देखो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर जो होती है वो क्या कहलाती है भाई, शक्ति कहलाती है। इसीलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यदि कोई चालक टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आता है। तो शक्ति के लिए पूछा है, ठीक है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा क्या होता है, समय होता है, ठीक है, यानी पी बराबर डब्लू बटा टी होता है। तो बताओ कौन से ऑप्शन में है, हमारे सी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमने देखा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भाई, शक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी भौतिक मात्रा मात्रा शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है, किए गए कार्य की गति को मापती है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, शक्ति, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। शक्ति का यानी पावर का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है भाई, वाट। दूसरा मात्रक क्या होता है इसका, जूल प्रति सेकंड, ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा मात्रक क्या होता है इसका, एचपी होता है, एचपी यानी हॉर्स पावर, अश्व शक्ति,
ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो भाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, और मान लीजिए जी का मान कितना इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, 40 सीढ़ियों की ऊंचाई, 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी है भाई 40, और उसके बाद में इनटू ऊंचाई कितनी है तो ऊंचाई है 15। ठीक है, तो बराबर में कितना आएगा 600 सेमी या 6 मीटर। ठीक है, तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है तो एम जी एच होता है, तो बराबर में 50 गुणा कितना लिखूंगा 10 और गुणा कितना लिखूंगा 6, तो बताओ बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 3000 जूल। कितना आएगा 3000 जूल आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है अपने को शक्ति, ठीक है बताना क्या है भाई शक्ति बताना है, तो शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय होता है, तो शक्ति बराबर कार्य बटा क्या होता है भाई समय, यही होता है। तो बराबर में शक्ति का मान कितना है यहां पे 3000, कितना है भाई 3000, बटे में कितना लिखूंगा तो बटे में लिखूंगा यहां पे 9, क्योंकि यहां पे देखो कितना सेकंड दे रखा है 9, तो कार्य कितना हुआ तो कार्य है अपने पास में 3000, तो कार्य बटा समय, तो समय कितना है यहां पे 9 है, 9 है, तो बराबर में कितना आएगा तो बराबर में अपने पास में आ जाएगा 3 फिर लगेगा यहां पे पॉइंट, फिर 3 फिर 3। ठीक है, तो संख्या अपने पास में ये आई है, बताओ कौन से ऑप्शन में है, तो हमारे ए ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है इसमें। तो अगला क्वेश्चन है औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, ठीक है किसके लिए पूछा है भाई औसत शक्ति के लिए पूछा है, औसत शक्ति बराबर क्या होता है तो औसत शक्ति बराबर क्या होता है कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय, बटा कुल समय, तो बताओ ये कौन से ऑप्शन में है, हमारे डी ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी, तो वे बताना क्या अपने को पावर बताना यानी शक्ति बताना है, शक्ति बराबर क्या होता है तो कार्य बटा क्या होता है समय, यही होता है। इस शक्ति का मतलब क्या होता है भाई पी, इस कार्य का डब्लू हो जाएगा और समय का टी हो जाएगा, यही होता है। तो अपने पास में क्या बना कि पी बराबर डब्लू बटा टी,
तो यही अपने को क्वेश्चन में बताना है। तो बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो हमारे डी ऑप्शन में है, तो पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो एक सूत्र तो होता है P बराबर वी आई, और एक सूत्र होता है P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, और एक होता है P बराबर वी स्क्वायर बटे में आर। ठीक है, तीन ही होते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी तीनों ही हो जाएंगे भाई, इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसे बताओ क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन तो है हमारे पास में सतत ऊर्जा का नियम, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बिल्कुल सही है, उसके बाद में है एंट्रोपी का नियम, और डी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखो आपको ऊर्जा के लिए क्वेश्चन पूछे, ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण तो देखते हैं भाई, यहां पे है उपकरण, ठीक है, और इधर है ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण। पहला है डायनेमो, डायनेमो जो है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, बदलना, कन्वर्ट करना या फिर रूपांतरण करना। तो डायनेमो जो है इसका कार्य क्या होता है, तो ये कौन सी ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है मोमबत्ती, दूसरा है भाई मोमबत्ती, मोमबत्ती जो है यह है रासायनिक ऊर्जा, यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलना या रूपांतरण करना। उसके बाद में है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में,
ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद में है लाउड स्पीकर, उसके बाद में है भाई लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का जो रूपांतरण करता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। उसके बाद में है सोलर सेल, क्या है भाई सोलर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को किसमें भाई विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद में है ट्यूबलाइट, क्या है ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को किसमें भाई प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। उसके बाद में है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, किसका कार्य होता है भाई विद्युत मोटर का कार्य होता है। उसके बाद में है विद्युत बल्ब, क्या है भाई विद्युत बल्ब, तो यह विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा, तो यह बदलेगा प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में। उसके बाद में है विद्युत सेल, विद्युत सेल का कार्य क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें भाई विद्युत ऊर्जा में, उसके बाद में एक होता है सितारा, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को किसमें भाई ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, तो इनमें से भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें लिखवा दिया है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था भाई,
कि ऊर्जा जो होती है ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। क्लियर है?